दोस्तों, टारगेट विद भागीरथ में आपका स्वागत है। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को आगे से आगे फॉरवर्ड करें, ताकि मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के अंदर जो संवैधानिक विकास है उसका इतिहास के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे 1950 में संविधान बनने से पूर्व कौन कौन से कानून बनाए गए, कौन कौन सी ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून बनाए गए, उन सारे कानूनों के बारे में हम क्रमबद्धता से अध्ययन करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं हिस्ट्री के अंदर भी इम्पोर्टेंट होता है और पॉलिटी साइंस के अंदर भी इम्पोर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं सवाल में आते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला कानून बनाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया पहला कानून था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया पहला कानून था। इस कानून के अंदर क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल और चार सदस्यों वाली एक गवर्नर परिषद का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसके अनुसार मुंबई मद्रास में प्रेसिडेंटियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया तथा बंगाल में जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल का पद के रूप में स्थापित कर दिया गया। परिषद में टोटल चार सदस्य थे और एक गवर्नर जनरल था। जो पहला गवर्नर जनरल था भारत का वो वॉरेन हेस्टिंग था ठीक है दोस्तों। और इसी एक्ट में 1774 के अंदर एक कलकत्ता में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसे अपेक्स कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसके अंदर क्या किया गया कि एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया। जो भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश था जो ब्रिटिश साम्राज्य में स्थापित हुआ था, उनका नाम था एलिजा इम्पे। ठीक है दोस्तों, इस प्रधानाधिकारी और गवर्नर जनरल न्यायाधीश ये सारे है ना ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी थे। फिर अगला कानून बना था ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के अंदर। इसके अंदर क्या था कि कंपनी के जो व्यापारिक व वाणिज्यिक कार्य थे उनको एक दूसरे से अलग अलग कर दिया और इस प्रकार से एक भारत के अंदर एक देश शासन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और एक तो कंपनी द्वारा, दूसरा संसदीय बोर्ड द्वारा। द्वैत शासन में कौन कौन हो गए, एक तो कंपनी हो गई, दूसरा संसदीय बोर्ड हो गई। इसके द्वारा ये शुरुआत हुई जो लगभग 1858 तक चलती रही। कितने साल, 1784 से लगाकर 1858 तक, बहुत लंबे टाइम तक चलती रही। तो अब हम बात करेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में दोस्तों क्या हुआ कि जो कंपनी का व्यापार था, ठीक है, उसको व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया, परंतु व्यापारिक अधिकार रखा चाय की पत्ती व चीन के साथ में जो भी व्यापार होता था उसका एकाधिकार कंपनी के पास रखा। ठीक है, इस एक्ट से भारत के अंदर एक स्वतंत्र व्यापार का युग प्रारंभ हुआ। ठीक है, फिर बाद में इसी एक्ट के बाद में ही शिक्षा के प्रति 1,00,000 रुपये खर्च करने का प्रावधान हुआ। फिर इस एक्ट से बहुत ईसाई मिशनरियों को धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता दे दी गई। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज जो कंपनी का शासन था वो आगामी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब हम बात करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट के बारे में। ठीक है, इसके अंदर क्या था, जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था पहले था चाय और चीन की चाय पत्ती और चीन के साथ, वो भी पूर्णतः समाप्त कर दिया, व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया। और फिर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। अब संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत में एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में फिर अंग्रेजों को संपत्ति खरीदने का भी अधिकार दे दिया गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को आगामी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब इसके बाद का हम बात करेंगे तो 1853 का चार्टर एक्ट है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो भारत के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती को स्टार्ट की गई। ठीक है, जिसे ICS इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन चालू किए गए। ठीक है, उनके उनके द्वारा भारतीयों के अंदर सिविल सर्विसेज में भर्ती स्टार्ट की गई। फिर बाद में समस्त ब्रिटिश पदाधिकारियों के जो वेतन वगैरह भत्ते वगैरह थे सारे इंडिया के ऊपर लाद दिए गए। एक इंडिया हाउस भी खोला गया था ब्रिटेन के अंदर, उसके भी खर्चा इंडिया के ऊपर लाद दिया गया। कहीं ना कहीं लग ऐसा रहा है कि हमें आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे थे वो। राष्ट्रीय आंदोलन में जो
असंतोष था इस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया। इस बार 1853 के चार्टर एक्ट के बाद 20 सालों के लिए, जो हम हर बार देखते हैं कि 20 सालों के लिए कंपनी अपना व्यापार 20-20 सालों के लिए बढ़ा रही है, परंतु इस बार 1853 के बाद में नहीं बढ़ाया। ठीक है दोस्तों, 1773 से लगाकर 1857 तक कंपनी का शासन रहा, 1773 से लगाकर 1857 तक कंपनी का शासन रहा, फिर 1858 से लगाकर 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा। 1858 से लगाकर 1947 तक भारत आजाद होने तक ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा था। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 के ऊपर। भारत शासन अधिनियम 1858 के ऊपर बात कर रहे थे। इसे बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। इसे भारत का दूसरा सुशासन भी कहा जा सकता है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारत का, ठीक है, जो कंपनी का शासन था उसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, इस क्रांति के प्रभाव को देखते हुए कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी या इसी के शासन को पूरा समाप्त कर दिया, परंतु ये शासन पूरा पूरा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। ठीक है दोस्तों, और ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा निर्मित भारत का पहला शासन, जो पहला अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1858 ब्रिटिश क्राउन द्वारा निर्मित पहला एक्ट था। अब गवर्नर जनरल था पहले, जिसे गवर्नर परिषद को समाप्त कर दिया गया, और इसके बाद में इसकी जगह पे अपन भारत परिषद बना दी गई। ठीक है, और इसके अंदर 15 मेंबर कर दिए गए, 15 मेंबर सारे के सारे अंग्रेज थे, और जो इसका अध्यक्ष था पहले गवर्नर जनरल था, अब भारत सचिव या भारत मंत्री कहलाता था। ठीक है दोस्तों, चार्ल्स वुड था, चार्ल्स वुड भारत का पहला गवर्नर, पहला ठीक है भारत सचिव था, या भारत मंत्री कह सकते हो चार्ल्स वुड को। ठीक, अब गवर्नर जनरल को वाइस राय भी कहने लगे, तो चार्ल्स वुड भारत का पहला वाइस राय था, भारत मंत्री था, या भारत सचिव था। ठीक है, और फिर लॉर्ड कैनिन है, जो भारत का पहला वॉइस राय था। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1861 के बारे में। भारत शासन अधिनियम 1861 के बारे में कैनिन ने क्या क्या था कि भारत में विभागीय प्रणाली की स्थापना की थी। कैनिन ने भारत में विभागीय प्रणाली की स्थापना की थी। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के जो अध्यादेश जारी होते थे उनको अधिकार दे दिया कि गवर्नर जनरल कोई भी कोई अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर इसके जस्ट बाद में एक और एक्ट आया था, भारत परिषद अधिनियम 1892 का। इसमें क्या हुआ था कि जो विधान परिषदों का विस्तार किया गया, इसके अंदर विधान जो परिषद थी उनका विस्तार किया गया, और विधान परिषद को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया था। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति की शुरुआत करना। दोस्तों, भारत के अंदर चुनाव पद्धति की शुरुआत करने के लिए पहला अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1892 है। अब हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में बात करेंगे, या इसे माले मिंटो सुधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भारत परिषद अधिनियम 1909 या माले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई, ताकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को खंडित किया जा सके। जो जो भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन होते थे, इससे पहले बहुत हुए, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं जाके एक सांप्रदायिक इलेक्शन करा दो, ताकि कहीं ना कहीं जाके अंग्रेजों की ये नीति थी कि कास्टिज्म को बंटवारा कर दो। ठीक है, रिलीजियस के आधार पे भी बंटवारा कर दो, कास्टिज्म के आधार पे भी बंटवारा कर दो। इसके अंदर जो वोट देने का अधिकार सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को दिया गया जो टैक्स पे करते थे, और दोस्तों मैंने पढ़ा है कि 50 पैसे टैक्स था उस टाइम का। जो बंदे कहीं ना कहीं 25 पैसे से ऊपर या 50 पैसे से ऊपर टैक्स पे करते हैं, उनको वोट देने का अधिकार था। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919, या इसे मॉन्टेग्यू चेम्स फोर सुधार भी कहते हैं। भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्स फोर सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम था, इसे मॉन्ट फोर्ड सुधार भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, मॉन्ड फोर सुधार भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो प्रांतों के अंदर द्वेष शासन की शुरुआत की गई, तो प्रांतीय शासन था उसके अंदर द्वेष शासन की शुरुआत की गई, मतलब प्रांतीय शासन को दो भागों में बांट दिया गया है। कौन सा? एक तो राज्य परिषद के हाथ में, दूसरा केंद्रीय विधानसभा के अंदर। ठीक है, एक को राज्य परिषद, दूसरे को केंद्रीय विधानसभा के हाथ में गया। फिर इसके अंदर क्या आ गया, जो प्रांत के विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। दोस्तों फिर बताता हूँ, प्रांतीय विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया, एक तो आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। इस अधिनियम के द्वारा 1926 के अंदर, इस अधिनियम द्वारा 1926 के अंदर ली आयोग की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा 1926 के अंदर ली आयोग की स्थापना की गई। इसके आधार पर दिल्ली में यूपीएससी की स्थापना की गई। दोस्तों ली आयोग की सिफारिश के आधार पर दिल्ली में यूपीएससी की स्थापना की गई। इस अधिनियम में पहली बार एक बार प्रस्तावना नाम का प्रस्तावना जोड़ी गई। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना। और केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। जो केंद्रीय विधानसभा थी उसमें 144 मेंबर थे, केंद्रीय विधानसभा थी जिसमें 144 मेंबर थे, और राज्य परिषद थी उसके अंदर 60 सदस्य थे। केंद्रीय विधानसभा के अंदर 144 और राज्य परिषद के अंदर 60 सदस्य थे। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है भारत शासन अधिनियम 1935, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर बार सवाल पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं से सवाल पक्का आता है इसके अंदर, हर एग्जाम के अंदर आता है। ध्यान पूर्वक सुने, अभी जो अपना प्रेजेंट संविधान है, वर्तमान का जो भारतीय संविधान है, उसके करीबन 200 आर्टिकल इसी से लिए गए। 395 में से 200 आर्टिकल भारत शासन अधिनियम 1935 में से लिए गए। दोस्तों फिर कहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस शासन अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम 1935 में से 200 आर्टिकल भारत के प्रेजेंट संविधान के लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस एक्ट के तहत हमने एक संघीय प्रणाली का प्रावधान किया गया। संघीय प्रणाली का प्रावधान किया गया, संघीय प्रणाली मतलब जितनी भी देशी रियासतें हैं, ठीक है, और प्रांत है, उनको मिला के एक संपूर्ण भारत का निर्माण करना, परंतु ये हो नहीं पाया था। इसको नहीं होने की जो वजह थी वो देशी रियासतों को ने अपनी मंजूरी नहीं दी थी। देशी रियासतें नहीं चाहती थी कि हम एक यूनियन के अंदर जाके शामिल हो जाएं। ठीक है दोस्तों, और इस एक्ट के तहत जो प्रांतों में दोहरे शासन था ना, द्वेष शासन, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब सीधे केंद्र के अंदर दोहरे शासन की स्थापना की गई, जो प्रांतों से समाप्त करके सीधे सेंटर के अंदर दोहरे शासन की स्थापना कर दी गई। फिर 1937 के अंदर दिल्ली में एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। जो ये क्या हुआ, 1937 से लगा कर 1952 तक ये भारत का सुप्रीम कोर्ट बना हुआ था, और आज भी हमारा सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, वही की वही न्यायालय, संघीय न्यायालय है, फेडरल कोर्ट ही। फिर 1950 के अंदर क्या हुआ था, 1950 तक भारतीय संविधान के निर्माण होने तक जो शासन चलाया गया था 1935 अधिनियम के तहत ही चलाया गया था। दोस्तों हमारा संविधान निर्माण होने तक जो भारत का संपूर्ण शासन था इस एक्ट के तहत ही चलाया गया। फिर जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने कहा था ये दास्ता या गुलामी की घोषणा पत्र है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वो दास्ता या गुलामी का घोषणा पत्र है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन के बारे में बात करेंगे, ये कैबिनेट मिशन क्या हुआ कि 16 मार्च 1946 को, सॉरी मार्च 1946 को जो भारत में आया था, और 16 मार्च को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, अब इस मिशन के अध्यक्ष मेंबर वगैरह कौन थे, इस जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और मेंबर थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तीन सदस्यों की थी, एक अध्यक्ष था, दो मेंबर थे। अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और मेंबर थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर।
इसने क्या कहता है अपनी रिपोर्ट के अंदर, ये कहा था कि जो भारत का संविधान का निर्माण है वो एक संविधान सभा करेगी, ठीक है। इसी मिशन ने भारतीयों को चुनौती दी गई थी कि भारतीयों के अंदर इतनी गट्स नहीं, इतनी पावर नहीं है कि वो अपने संविधान का निर्माण कर सके। हाँ, आपका संविधान का निर्माण भी हम ब्रिटिश करके देंगे। उसे भारतीयों ने एक चुनौती के रूप में समझा और अपने संविधान निर्माण के लिए लक्ष्य सभा वगैरह गठित करने के लिए किया गया। इसमें टोटल 389 मतलब 389 मेंबर होंगे। फिर हम बात करेंगे माउंटबेटन योजना 1947 के अंदर। इसके बहुत से नाम हैं, इसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, इसे 3 जून योजना भी कहते हैं, इसे विभाजन योजना भी कहते हैं, इसे डिक्की बर्थ प्लान भी कहते हैं। दोस्तों इसके बहुत से नाम हैं, माउंटबेटन योजना, 3 जून की योजना, विभाजन योजना, डिक्की बर्थ प्लान, इतने नाम है इसके। इस योजना के तहत ही भारत का विभाजन को मंजूरी मिली। हमारा छोटा भाई पाकिस्तान हमसे अलग हुआ है इसी योजना के तहत। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1947 को। 18 जुलाई को ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति के साथ ही भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, ठीक है दोस्तों। इसके आधार पर 15 अगस्त 1947 को भारत को एक संपूर्ण संप्रभु राज्य घोषित कर देंगे। 15 अगस्त 1947 को संप्रभुत्व वाला राज्य घोषित कर देंगे। और जो हमारी बाउंड्री है भारत और पाकिस्तान के बीच की, वो रेड क्लिफ के नेतृत्व में निर्धारित की जाएगी, ठीक है। जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल होगा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल होगा, ठीक है दोस्तों। और अब इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके टाइम पे जब ब्रिटेन के अंदर जो सरकार थी वो लेबर पार्टी की थी या मजदूर संघ की सरकार थी, ठीक है। उस टाइम पे जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो एटली था, ठीक है दोस्तों। और जो हमारे भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस टाइम पे वो जेबी कृपलानी साहब थे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपको मेरा चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।